नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इंटेलेक्ट क्वेस्ट में। हम आपके लिए टेक्नोलॉजी कुछ खबरें लाएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आज हम बात करेंगे वेब के बारे में। जैसा कि आपको पता है, मार्च में वेब को पूरे 30 साल पूरे हो चुके हैं, तो हम बात करेंगे इन 30 सालों में वेब में क्या क्या मेजर डेवलपमेंट्स आए। क्योंकि जब वेब लॉन्च हुआ तो बहुत ही बेसिक था, उसमें सोशल मीडिया वगैरह कुछ नहीं थी, लेकिन आज आप वेब यूज़ कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, उसमें आपको बहुत सारी डेवलपमेंट हो चुके हैं और आप बहुत कुछ उसमें कर सकते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई, टिम बर्नर ली ने वेब का आइडिया प्रपोज किया था अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो अगर आप सोचे टिम बर्नर ली अगर वेब ना बनाते तो आपकी लाइफ कैसे होती। बहुत लोगों के लिए वेब और इंटरनेट एक चीज़ है, लेकिन वेब और इंटरनेट अलग अलग चीज़ है। इंटरनेट वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसपे वेब, क्लाउड सर्विस, मैसेजिंग, वीडियो कॉलिंग और बहुत सारे अलग चीज़ें चलती हैं। 30 साल में वेब में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। ये 90% डेवलप हो चुका है जो ये 30 साल पहले था। तो अब हम सिग्निफिकेंट इवेंट्स पे लोग डालेंगे जो कि इन 30 सालों में हुए हैं। तो सबसे पहला आता है मार्च 1989, टिम बर्नर ली ने ये अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन CERN, जो कि यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च है, उसको प्रपोज किया था वर्ल्ड वाइड वेब का। तो इससे जो CERN के रिसर्चर्स थे वो अपने बीच में शेयरिंग और डेटा की अपडेट कर सकते थे। फिर 1990 में टिम बर्नर ली ने पहला वेब सर्वर और वेबसाइट को होस्ट किया अपने कंप्यूटर से। इसमें उन्होंने वेब के डिस्क्राइब किए थे फीचर्स और इसको कैसे यूज़ किया सकता है, ये सब लिखा था। फर्स्ट वेब ब्राउज़र अगस्त 1991 में लॉन्च हुआ, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको बाद में नेक्सस बोला गया क्योंकि कन्फ्यूजन दूर करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब और ब्राउज़र के बीच में। फिर 1991 में लाइनस टॉरवेल्ड्स ने लाइनक्स बनाया, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम था बेसिकली वेब सर्वर्स के लिए। फिर अप्रैल 1993 में पहली बार CERN ने वेब टेक्नोलॉजी पब्लिक के लिए अवेलेबल कर दी थी। सितंबर 1993 में पहला ब्राउज़र नेशनल सेंटर फॉर सुपरकंप्यूटिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया, मोज़ेक ब्राउज़र। ये विंडोज़ के लिए था, ये पहला ब्राउज़र था जो कि टेक्स्ट और इमेजेस को एक साथ डिस्प्ले करता था, और इसकी जो अवेलेबिलिटी थी उसकी वजह से ही कॉमन लोग वेब को यूज़ कर पाते थे। मार्च 1994 में याहू लॉन्च हुआ, ये वेबसाइट की डायरेक्टरी थी सब लेयर, जो कि कैटेगरी सब कैटेगरीज के लेयर में डिवाइडेड थी। फिर अक्टूबर 1994 में वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्फ्रेंस बनाई गई, जो कि इंटरनेट के वेब के जो कि लॉज और कानून वगैरह बनाएगी। फिर मार्च 1995 में पहला विकी होता है यूज़र एडिटेबल वेबसाइट, WikiWikiWeb लॉन्च हुई। 1997 में पहला सोशल मीडिया नेटवर्क sixdegrees.com लॉन्च हुआ था, इसमें प्रोफाइल बना सकते थे और फ्रेंड लिस्ट कर सकते थे। सितंबर 1998 में गूगल को फाउंड किया लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने। 1999 में ब्लॉगर गूगल ने ही ब्लॉगर को लॉन्च किया, और अलीबाबा फाउंड हुआ जैक मा ने, जो कि एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है। फिर 2001 में माइक बर्गमैन ने पहली बार डीप वेब का टर्म यूज़ किया, वेब कंटेंट जो कि सर्च इंडेक्स नहीं करते उसको डिस्क्राइब करने के लिए। जो हमारा वेब वो तीन पार्ट में बटा हुआ है, सरफेस वेब, डीप वेब, डार्क वेब। सरफेस वेब जो कि आपके सर्च इंजन पर डिस्प्ले हो जाता है, डीप वेब जो कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है जो कि सर्च करने पर डिस्प्ले नहीं, तो डार्क वेब जहाँ पे कि इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं। फिर जनवरी 2001 को विकीपीडिया लॉन्च हुआ, जिल्मी वेल्स और लैरी सेंगर ने विकीपीडिया लॉन्च किया था। मार्च 2002 को एक और सोशल मीडिया नेटवर्क लॉन्च हुआ जो था फ्रेंडस्टर, इसमें मिलियंस ऑफ यूजर्स ने लॉग इन किया था। फिर अगस्त 2003 को निकलेस जेनस्ट्रॉम और जेनिस फ्रिस ने स्काइप लॉन्च किया। फरवरी 2004 को फेसबुक लॉन्च हुआ, जो कि हार्वर्ड के स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च हुआ था सिर्फ। और अप्रैल 2005 को यूट्यूब लॉन्च हुआ, पहली यूट्यूब वीडियो में एट जो भी अपलोड की गई। मार्च 2006 को ट्विटर लॉन्च हुआ, पहला ट्वीट जस्ट सेटिंग अप माई ट्विटर किया गया। सितंबर 2006 को फेसबुक को पब्लिकली अवेलेबल कराया गया। जून 2007 को एप्पल पहली बार मोबाइल ब्राउजिंग, फुल मोबाइल ब्राउजिंग लाया अपने आईफोन के लॉन्च के साथ, इससे पहले मोबाइल में ब्राउजिंग नहीं होती थी। और 2008 में बिटकॉइन लॉन्च हुआ। फिर जुलाई 2008 में गूगल ने जो URL काउंटिंग की उसमें उसने एक रिपोर्ट की कि वेब पर 1 ट्रिलियन यूनिक URL अवेलेबल हैं इस टाइम। जुलाई 2008 में एप्पल ने ऐप स्टोर लॉन्च किया। सितंबर 2008 में गूगल ने क्रोम ब्राउजर लॉन्च किया। अप्रैल 2012 में फेसबुक ने इंस्टाग्राम को $1 बिलियन में खरीद लिया। फरवरी 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीद लिया। फरवरी 2015 में
विंट सर्फ जो कि फादर ऑफ इंटरनेट कहे जाते हैं, उन्होंने कहा कि हम डिजिटल डार्क एज की तरफ बढ़ रहे हैं। डिजिटल डार्क एज का मतलब है कि आपका सारा डेटा, फोटोग्राफ्स, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, फाइल्स वगैरह सब आपके इंटरनेट पर सेव है, और अगर एक दिन इंटरनेट सारा बंद हो जाए, खराब हो जाए, तो आपका सारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा। 2016 में पहली बार मोबाइल वेब ब्राउजिंग डेस्कटॉप वेब ब्राउजिंग से ज़्यादा पॉपुलर हुई। फिर 2018 में एक रिपोर्ट के अनुसार 40% एक्टिविटी जो इंटरनेट पर है वो फेक है। मार्च 2019 में ये एस्टिमेट किया गया कि 4 बिलियन पीपल 60% टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन की अब ऑनलाइन है। तो ये थी आज की वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।